नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। क्या है मामला? आपको बता दें कि पिछले 16 तारीख को एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उसमें पुलिस ने तत्काल सभी पहलुओं पर जांच करी। जांच के दौरान ये तथ्य निकल गया है कि आपस में गांव की रंजिश में उस युवक की हत्या हुई है, जिसमें दो लोग पहले पकड़े जा चुके हैं, बाकी लोग वांछित थे। तो पुलिस के द्वारा उनके घर भी दबिश दी गई, लेकिन वो नहीं मिल पाए। तो पुलिस ने रात्रि में मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जो मुख्य साजिशकर्ता है वो और दो शूटर जो उस घटना में शामिल थे वो रात में जा रहे हैं। पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में हमारे एक सब इंस्पेक्टर साहब को गोली लगी। बदले में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई तो उन तीनों को गोली लगी है। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। शेष जो लोग इस घटना में शामिल थे उनको भी पकड़ा गया है। अभी तक हम 9 लोगों को इस घटना में ट्रेस आउट कर चुके हैं। अभी 4 लोग और बाकी हैं जिनको इस घटना में ट्रेस करना है, जो कहीं ना कहीं संलिप्तता है। जिस तरीके से अपराध हुआ था सर, इतने मतलब लोग मिलके उसको मारे थे सर, क्या कोई रंजिश थी या कोई दुश्मनी थी किसी? आपको बता दें, गांव का ही आपस में झगड़ा था। ये आपस में एक दूसरे को लेके कमेंट्सबाजी से शुरू हुई कहानी है, जिसमें बाद में वाद विवाद मारपीट तक ये घटना पहुंची है। उसके उपरांत ये हत्या की साजिश रची गई है, जिसमें एक पुराना अपराधी भी है और साथ ही साथ गांव के लोग शामिल थे। उन्होंने अपनी यारी दोस्ती के माध्यम से इस युवक को मरवाया था। पुलिस ने पूरी घटना का अनावरण किया है और जो टीम है उसको 11,000 रुपये का इनाम हमारे द्वारा दिया जा रहा है। बाकी उच्च अधिकारियों ने भी जो घटना का सफल अनावरण करने के लिए पूरी टीम को बधाई। सर, एक सवाल और था। हम आपको इस के माध्यम से निश्चित रूप से ये कह दे रहे हैं कि अपराधियों के विरुद्ध सुल्तानपुर पुलिस कमर कसी हुई है। किसी भी स्थिति में कोई अपराध नहीं होने दिया जाएगा। जो अपराध करेगा उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुल्तानपुर पुलिस करेगी। रोल करना, जो रात में एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर में पकड़े गए हैं दो अपराधी या तीन अपराधी सर, इनके ऊपर कोई इनाम भी था क्या? आपको बता दें कि रात्रि में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 25,000 के तीन अपराधी जो हत्या में और लूट में वांछित हैं कोतवाली देहात क्षेत्र में जा रहे हैं। तो पुलिस ने रोका तो उसमें फायरिंग हुई, जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगी। बदले में पुलिस ने भी फायरिंग करी, जिसमें तीनों जो इनामी बदमाश